Hello guys and welcome back to my channel. I'm Surbhi, Indian girl in Europe and welcome to my channel. तो जैसा कि मेरा चैनल का नाम ही है इंडियन गर्ल, तो आज मैं अपनी स्टोरी सुनाऊंगी या मैं अपना ट्रांसफॉर्मेशन आपको दिखाऊंगी और मैंने क्या क्या चेंजेस करे हैं अपनी लाइफ में, जिससे मैं जो बोलते हैं ना, मैं पहले ऐसी थी उसके बाद मैं ऐसी हो गई. मैं अपने आप को बहुत ज्यादा पसंद हूँ. मैंने ये यूज किया एग्जैक्टली. मैं आपको वो सारी जो फीलिंग्स है अपनी वो बताने वाली हूँ. आई थिंक दिस इज द राइट टाइम बीइंग एन इंडियन गर्ल. मुझे ये सारी चीजें उन लोगों को बतानी चाहिए जो अभी अपनी टीन एज में है, चाइल्डहुड्स में है, ट्वेंटीज में है, थर्टीज में है, मिड ऑफ ट्वेंटीज में है. उन लोगों के लिए मैं ये स्टोरी अपनी सुनाने वाली हूँ. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. तो जब हम लोग छोटे होते हैं तो हम लोग बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो अपने दिमाग में, अपने दिल में ले लेते हैं. एंड दैट्स अबाउट विथ मी ऑल्सो. बहुत सारी जो चाइल्डहुड मेमोरीज हैं वो आज भी मेरे दिमाग में हैं. लाइक मैं बहुत अच्छी नहीं लगती थी बचपन में, बहुत अच्छी नहीं लगती थी या यही समझ लो बेकार लगती थी. बट जो मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, जो मेरे रिलेटिव्स थे, जो मेरे फ्रेंड्स थे, वो मुझे टीज करते थे फॉर सो मैनी थिंग्स. लाइक बहुत सारे लोग मुझे चपटी बोलते थे, बहुत सारे लोग मुझे मोटी बोलते थे, धचड़ा बोलते थे एंड मैनी मोर सच थिंग्स. जो मेमोरीज जो हैं वो मेरे दिमाग में रह जाती थी. ऑफकोर्स स्किन में भी बहुत प्रॉब्लम्स होती हैं जब हम टीनेज में रहते हैं. हमें बहुत सारे पिंपल्स होते हैं, हमारी स्किन उतनी अच्छी नहीं दिखती है जितनी अच्छी दिखनी चाहिए और फिर हमारा जो कंपैरिजन है वो दूसरों से किया जाता है एंड वो सारी जो चीज़ें हैं वो हमारे जो दिल में हैं वो रह जाती हैं. आई विल टेल यू वन इंसिडेंट. एक बार मैं किसी शादी में गई और वहाँ पर जाके जब मैंने दूसरे लोगों को देखा अच्छे कपड़े पहन के, स्लिम ट्रिम एंड लुकिंग गुड. उस टाइम पे शायद मैं 12th में या 10th में होंगी और जब मैंने देखा आई वॉज फीलिंग रियली बैड कि मैं बहुत बुरी दिखती हूँ. मेरे अंदर कोई ऐसी खासियत नहीं है कि मैं एक किसी फंक्शन को भी अटेंड कर पाऊँ एंड वो शादी जो है वो मैं छोड़ के आ गई. और मैं पूरे रास्ते जब तक मैं अपने घर नहीं पहुंच गई मैं रोती रही और मैं बोलती रही भगवान आपने मुझे ऐसा क्यों बनाया. सॉरी दैट वाज एक्चुअली वो सोच के ही मुझे. चाइल्डहुड में हम लोग बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो नहीं सोचते. इवेंचुअली मैंने उस टाइम पे ये नहीं सोचा था कि चीज़ें अपने आप सही हो जाएंगी. थिंग्स विल टेक टाइम और वो अपने आप सही हो जाएंगी. उस टाइम पे बस मैंने अपने आप को, जैसे लोग मुझे दूसरे लोगों से कंपेयर करते थे, मैंने अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर किया. मैंने अपने आप में बहुत बुरा फील किया और मैंने वो फंक्शन जो है वो वहीं छोड़ के, मैंने बहुत, मतलब ये समझ लो कि मैंने अपने आप के लिए बहुत गंदा किया कि मैं एक तो बहुत बुरा फील किया, इतना रोई गाई. सो दैट्स नॉट द गुड थिंग. जो मैं आज सोचती हूँ तो मैं बोलती हूँ कि यार मतलब उसका कोई भी ज़रूरत नहीं थी, उसकी कोई वैल्यू नहीं थी. बहुत सारे मेरे जो फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स थे, दे यूज टू टेल मी मोटी मोटी मोटी. एंड इट्स नॉट कि एक दिन में आपको एक बार बोलते थे, हमेशा आपको बोलते रहते थे. एंड एट पर्टिकुलर टाइम मैं मोटी अपने आप को समझने लगी और मैं खुद मोटी होने लगी. अबाउट माय लंबाई, टॉल, मुझे वो नहीं पसंद था कि मैं सबसे लंबी लड़की हूँ अपने क्लास में. मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था क्योंकि लोग उस पर भी टीज करते थे.
12th क्लास में मेरा जो वेट था वो क्लास में सबसे ज़्यादा था, लड़कों से भी ज़्यादा, वो मुझे हर्ट किया। तो ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट थे जो मेरे 12th के बाद या 12th में या स्कूलिंग में जो मुझे हर्ट किए। ऑब्वियसली बहुत सारी अच्छी भी चीज़ें थी, पर दिस टाइम आई एम जस्ट टेलिंग यू कि मैंने अपने आप को कैसे चेंज किया। देन लाइफ इज़ गोइंग लाइक दैट, आई वॉज नॉट फीलिंग रियली गुड अबाउट माई सेल्फ, दिस आई नो एंड आई एम शेयरिंग विद यू। आई थिंक मेरे पेरेंट्स को भी नहीं पता होगा और वो शायद ये वीडियो देखेंगे उसके बाद पता चलेगा। एंड देन एवेंचुअली मैंने अपने बारे में उस इंसिडेंट के बाद अच्छा फील करना चालू किया। मैंने ये फील करना चालू किया कि नहीं यार, मैं अच्छी हूँ और मैं अच्छी बनूँगी। और सडनली मैंने अपने डाइट पे काम करना चालू किया। जब मैंने अपने डाइट पे काम करना चालू किया तो ऑब्वियसली मेरा जो स्किन टेक्सचर है, स्किन है, वो भी चेंज होने लगी। मैंने अपने हेयर्स पे काम करना चालू किया। मैंने हर एक चीज़ पे काम करना चालू किया जो एवेंचुअली उस टाइम पे इम्पॉर्टेंट थी। ऑब्वियसली ड्रेसिंग पे मैं नहीं कर सकती थी क्योंकि मैं जिस जगह रहती थी वहाँ पर मेनली मुझे उस टाइप के कपड़े पहनने पड़ते थे जो वहाँ के लोगों को देखना, तो उस पे तो मैं नहीं कर पाई। बट मैं जो कर सकती थी उस टाइम पे उस पे मैंने काम करना चालू किया धीरे धीरे धीरे। एंड देन द टाइम हैज़ कम जिसमें आप लोग मुझे देख ही रहे हो। आई थिंक वो लोग जो लोग मुझे बहुत मोटा बोलते थे आज वो मुझसे ज़्यादा मोटे हैं, मुझसे ज़्यादा अनफिट हैं। आई विल नॉट टेल यू मोटे, मुझसे ज़्यादा अनफिट हैं वो लोग जो मुझे बोलते थे चपटी एंड यू आर नॉट गुड, ये ज़्यादा अच्छी लगती है, शी इज़ प्रिटी एंड यू आर नॉट। आई थिंक आई शुड, मतलब मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है इस बारे में। एंड वो लोग जो लोग ये सोचते थे कि यार, एवेंचुअली द टाइम हैज़ कम जिसमें मैंने अपने आप में बहुत सारे चेंजेस लाए। मैंने अपने जो एक्सरसाइज है वो करना चालू किया। जब आप एक्सरसाइज करना चालू करते हो तो ऑब्वियसली आपके फेस है उस पर सबसे पहले असर होता है। अगेन लोगों ने बोलना चालू कर दिया यू आर लुकिंग डल, अरे बहुत वो हो गई है। इवेंचुअली वो भी नहीं बोलना चाहिए, यू आर टेकिंग सम स्टेप टू इम्प्रूव योर सेल्फ, टू बी गुड, टू बी बेटर। लेकिन आपको उस टाइम पे भी बहुत सारे ऐसे, कुछ लोग अप्रिशिएट भी करते हैं पर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपको उस चीज़ के लिए भी बोलने लगते हैं। बट इवेंचुअली उस टाइम तक मैं ये समझ गई थी कि आप चाहे अच्छा करो चाहे आप बुरा करो, इट्स यू एट द एंड, इट्स यू जो आपको अपने आप के बारे में फील करना है, अच्छा फील करना है। एंड द टाइम हैज़ कम जब हर लोग मुझे अप्रिशिएट करने लगे। एंड मतलब नाउ आई विल टेल यू वन इंसिडेंट अबाउट माय ऑफिस। जब मैं पहली बार अपना ऑफिस ज्वाइन किया और मुझे मेरे बॉस ने बोला कि इस पर्सन से जाके मिलो, आई थिंक वो जो पर्सन है अगर वो देख रहा होगा तो नीचे कमेंट करना, आई विल नॉट टेल यू द नेम। तो इस पर्सन से जाके मिलो, और मैं गई, ग्राउंड फ्लोर पे था वो पर्सन, तो मैं वहाँ पर गई और मैंने बोला हेलो मिस्टर आर यू दिस, तो उसने बोला यस। उस टाइम पे उस पर्टिकुलर फ्लोर पे या उसके आसपास जितने भी लोग थे वो सब लोग खड़े हो गए। एंड मुझे ये लगा कि शायद मैं वियर्ड हूँ या क्या हूँ। एंड देन जब मैं चली गई तो मुझे तो नहीं पता क्या हुआ, बट वो जो पर्सन है वो मेरा बाद में बहुत अच्छा दोस्त बन गया। और उसने बताया कि सुरभि उस दिन एक्चुअली ये हुआ था कि सब लोग आके मुझसे ये पूछ रहे थे ये लड़की कौन है, ये लड़की कौन है। सो दैट्स द स्टोरी कि हाउ थिंग्स हैज चेंज फ्रॉम दिस टू दिस। मतलब मैंने आपको अपनी एक नेगेटिव स्टोरी भी सुनाई, एक पॉजिटिव स्टोरी भी सुनाई। बट सडनली इफ़ यू आर इन टू अ टीन एज या आप उस एज पे हो जब आप अपने आप में अच्छा फील नहीं करते हो, तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ, चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे चेंज होती हैं। जब आप अपने ऊपर काम करना चालू करते हो तो चीज़ें चेंज करती हैं। ऑब्वियसली आपका फेस चेंज नहीं होगा,
पर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो चेंज हो जाएगी। फेस तो भगवान ने दिया होता है, बट उसके अलावा आप कुछ भी चेंज कर सकते हो अपने अंदर, चाहे वो आपकी पर्सनैलिटी हो, चाहे आपके वो बोलने का तरीका हो, चाहे आपकी फिटनेस हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड दैट्स वॉट हैपन विद मी एंड आई लव माई सेल्फ राइट नाउ। आई डोंट नो अबाउट अदर्स की लोग क्या सोचते हैं या ऑल, बट आई फील गुड अबाउट मी। आई फील फिट, हेल्दी एंड मोटिवेटेड एंड एनर्जेटिक। सबसे इम्पॉर्टेंट एनर्जेटिक, कि मुझे मज़ा आता है चीज़ें करने में, मज़ा आता है काम करने में। तो गाइज, दिस इज़ द स्टोरी। एंड एवेंचुअली मैंने बहुत ज़्यादा वेट भी लूज़ किया है। तो मैं 12th क्लास में आई रिमेम्बर कि मैं 64 केजी थी, और आज मैं उससे कम हूँ, अराउंड 62 केजी, बिकॉज मैं एक्सरसाइज वगैरह करती हूँ और जो मेरे मसल्स वगैरह हैं वो बिल्ट हो रहे हैं, बट इवेंचुअली मेरी बॉडी जो है वो लीन हो रही है। तो इफ सम ऑफ माय फ्रेंड्स हु आर वाचिंग दिस, तो वो लोग ज़रूर मुझे कमेंट करना। और अगर आपको मेरी स्टोरी इंस्पायरिंग लगी हो या समहाउ आपको भी रिलेट करती हो, तो आप ज़रूर नीचे लिखना। और द की इज़ पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव अबाउट योरसेल्फ। और मैं पहले ऐसी थी और फिर मैं ऐसी हो गई। मैं आपको कोई क्रीम यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, या आपको कोई कुछ खाने की ज़रूरत नहीं है। इट्स फ्रॉम इनसाइड, और जब आप इनसाइड से अच्छा सोचते हो अपने बारे में और अपने लिए काम करना चालू करते हो, तो थिंग्स विल चेंज ऑटोमेटिकली। उसको चेंज होने में बहुत टाइम लग जाता है, लाइक मेरा जो चेंजेस है वो होने में 4-5 साल लग गए, और अब आई एम टेलिंग यू अबाउट 10-15 ईयर्स डाउन द लाइन कि मेरे अंदर इतने सारे चेंजेस आए हैं। बट दीज आर वेरी पॉजिटिव चेंज जो मैं आपसे शेयर कर सकती हूँ। वैसे तो उनसे कोई बैर नहीं है, ठीक है, इट्स ओके, हम लोग भी लोगों से बोल लेते हैं, बट हाँ, दिस इज़ द आंसर टू ऑल ऑफ देम जिन्होंने कभी ना कभी मुझे ऐसा कुछ बोला था। और आज मैं शायद उनकी वजह से ही चेंज हुई हूँ, क्योंकि मैंने खुद सेल्फ रियलाइज कर लिया था कि नहीं, मुझे चेंज होना है। एंड चेंज होने का मतलब ये नहीं होता कि आप अच्छे कपड़े पहन रहे हो तो आप अच्छे लग रहे हो एंड ऑल दैट। चेंज होना इज़ फ्रॉम इंटरनल, कि आप अपने आप में कैसा फील कर रहे हो। और मैं आज अपनी फेवरेट हूँ, मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा पसंद हूँ, और यही है मेरा अचीवमेंट। अब चाहे दुनिया के कोई भी लोग आके मुझसे कुछ भी बोल दें, आई डोंट केयर, बिकॉज आई नो दैट कि मैं क्या थी और आज मैं क्या बन गई हूँ, और जो मेरा ट्रांसफॉर्मेशन जो हुआ है लाइफ में। एंड सो गाइज, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना। और अगर आपकी भी कोई ऐसी स्टोरी है तो मुझे या तो मेल करना या नीचे कमेंट करना, इफ़ यू वॉन्ट टू डू इट। आई लव यू गाइज, एंड मैं अपनी लाइफ स्टोरीज आपको बीच बीच में सुनाती रहूँगी। बाय, टेक केयर।